जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 गूंजे धरती आसमान गूंजे धरती आसमान। मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा अंतर्गत भकुआ गांव में एक निजी कार्यक्रम में जमुई के सांसद सह लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान आज बिहार दौरे पर हैं। वहीं इसी क्रम में आज मधुबनी के भकुआ गांव में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधन किया। आपको बता दें कि जयनगर के प्रखंड अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार पासवान और जिला प्रभारी अध्यक्ष अरविंद पूर्वे ने चिराग पासवान का स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के वर्तमान सरकार पर खूब बिफरते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, रोज कहीं ना कहीं जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो रही है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की आंख नहीं खुलती। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं, तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं जाते उस परिवार से मिलने जहां जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। मिली जानकारी अनुसार उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी लोजपा अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मांझी जी भी शराबबंदी कानून का समर्थन नहीं कर रहे, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से इस कानून को का एक हवा बनाकर बिहार में बाकी सारे कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोक रखे हैं और सिर्फ शराबबंदी 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 की वो बात करते हैं, दुख इस बात का है कि जिस कानून पर उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है, शासन प्रशासन तंत्र को लगा के रखा हुआ है, उसके बावजूद ये शराबबंदी कानून धरातल पर नहीं उतर पा रहा। एक के बाद एक जिस तरीके से जहरीली शराब से पीने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, और अब तो ये मृत्यु ही नहीं बल्कि इसको मैं हत्या बोलूँगा, क्योंकि भाई मृत्यु एक बार कोई घटना घटती है, दो बार घटना घटती है, निरंतरता में जिस तरीके से ये हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हत्या हो रही है प्रदेश के लोगों की। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से इसको लेकर खामोश बैठे हुए हैं। आज उनके अपने गृह जिले में नालंदा में जिस तरीके से 13 लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब पीने से, भाई मुख्यमंत्री किसी एक परिवार से तो मिलने जाएं कम से कम। आपको क्या लगता है कि बंद कमरे में बैठकर एयर कंडीशन कमरे में शपथ दिलवाने से कानून धरातल पर उतरेंगे? जब तक आप जाएंगे नहीं, मृतक परिवारों से नहीं मिलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि समस्या क्या है, कहाँ से ये अवैध ये जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है या कहाँ से आयात हो रहा है अवैध शराब का। पर मुख्यमंत्री ने आज तक एक पीड़ित परिवार से मिलना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, और आज तो हद हो गई कि भाई आपके अपने गृह जिले में वहाँ पे औरतें रो रही हैं, बिलख रही हैं, आप बार बार यही ना बोल कर आए, महिलाएं बहुत खुश हैं शराबबंदी कानून से। तो जाकर देखिए, जितने लोग आज सुबह हम गए थे नालंदा, जितनी औरतें रो रही हैं वहाँ पे, किसी का पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, और आज एकदम बेसहारा वो लोग वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो अब हद हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, अगर वो एक कानून को धरातल पर नहीं उतार सकते तो उनको सरकार में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए औपचारिक तौर पर, लिखित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास महामहिम राज्यपाल जी से ये आग्रह करेगी कि अब उचित समय है कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। कल एक प्रतिनिधि मंडल जाके महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करेगा, लिखित तौर पर पत्र के माध्यम से हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि एक के बाद एक, कभी चंपारण में, कभी गोपालगंज में, कभी मुजफ्फरपुर में, कौन सी जगह है जहां हम लोग नहीं गए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक जगह जाना ज़रूरी नहीं समझते। तो जब आप बिहारियों के दुख दर्द में उनके साथ ही नहीं है तो इनको मुख्यमंत्री बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। भैया, आप यूपी चुनाव में आपकी पार्टी अकेले लड़ेगी या आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग अकेले अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और लोक जनशक्ति पार्टी इस बात की घोषणा भी कर चुकी है, और मुझे लगता है बहुत जल्द इसी हफ्ते हम लोग प्रत्याशियों की पहली सूची भी साझा कर देंगे।